बाहर इनका ना होने वाला ससुर मिला था। कह रहा था हमारी बेटी बलि चढ़ने से बच गई। देखो अंकल कपिल देव, आपके क्रिकेट खेलने के दिन जा चुके हैं समझे। अब तो आप बुजुर्ग 11 के लिए भी ओवर एज हो चुके हो। तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि बहुत लफड़े करते हो। तेरी तो गारंटी नहीं है। एक काम करो, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराओ, वही दादी के काम आएगा जिंदगी के साथ। इधर इधर इधर। मैं यहाँ कैसे? तू अंधे सांड के लिए लाल सूट लेकर गया था ना? ऐसा क्या है? फिर क्या हुआ भाई? होना क्या था, सांड की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था। अबे सीजन के हिसाब से बदलने वाली दुकान, तेरी जिंदगी का भरोसा नहीं और तू दूसरों का लाइफ इंश्योरेंस करता है? किस ज्योतिष से पूछकर धंधा शुरू करता है? जो तेरे राहु केतु हमेशा डिस्को डांस करते रहते हैं, वैसे खराबी तेरे काम में नहीं, वो है तेरी किस्मत में। तू गाड़ियों का इंश्योरेंस करता था, वो सभी गाड़ियां ठुकी, इंश्योरेंस कंपनी फूकी और तो फिर से दुखी, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। अब सुन, तेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तू किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपना लाइफ इंश्योरेंस कर और उसमें नॉमिनी मुझे बना दे। मरने के बाद पैसे देगा ना? अरे मर के तो देख। वीरू भैया भाग गया शेख चिल्ली की वाला। तुमसे बात करना जैसे बैल से दूध निकालना। जैसे कि हर हिंदी फ्लॉप फिल्म में मेयर का बेटा टशन में रहता है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो उम्मीद अनुसार। तुम अंगूठा छाप हो, फिर भी मैं तुम्हें कॉलेज के नियम का पर्चा दूंगा और तुम उसे फाड़ दोगे उम्मीद अनुसार। तुम भी पेप्सी की एड की तरह हर किसी को ये कहकर डराओगे कि जानता है मेरा बाप कौन है उम्मीद अनुसार। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें नहीं पता, जो बिल्कुल उम्मीद अनुसार नहीं है, और मुझे पक्का पता है कि तुम भी इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए मैं बताता हूँ, उस चीज का नाम है वीर से भाग। अगर उसे गलती से तुम्हारी गलतियां पता चल गई ना, तो वो तुम्हें बॉबी से चेंज करके बॉबी डार्लिंग बना देगा। हाँ ऐसा क्या, क्या कर देगा वो? उसे रजनीकांत की तरह मछलियों को डुबाने का शौक नहीं, मगरमच्छ को डुबाने का शौक है। तुम्हारी टपोरी भाषा में तुम्हें तो फोड़ देगा। मेरी एक पहचान के एजेंट मेडिक्लेम करवाता है, उससे मिले बगैर वीर से पंगा नहीं लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। काई है पोरकर जी, ये बताइए कि मैडम में ऐसी क्या खास बात है? हृदय में बसी है नारी, हृदय में बसी। तनिक धीरज रखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हृदय में बसी है नारी, किसी की बेटी है तो किसी की बहन है बेचारी। मैं वो धागा जिससे बंधी है वो गुब्बारी। सर आप हिंदी पढ़ाते और मैडम इंग्लिश, मतलब आप 1940 की थकेली धुन और वो शीला की जवानी, ये मिलन कैसे होगा? शीला की जवानी और 1940 की धुन के मिलन से ही तो मुन्नी बदनाम होती है। मेरे पास एक फाड़ू आईडिया। मेरा मतलब फाड़ू सर, मैडम सामने से आ रही है, समझिए आप बंदर है और मैडम का दिल मूंगफली। आप घुटनों के बल बैठिए, फूल निकाल के कहिए मूंगफली दे मूंगफली। सर जब खड़े होते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनके घुटनों तक पहुंचते हैं, ये सामने बैठ गए तो वो तो ऊपर से ही निकल जाएगी। कृपया लंबाई की बातें छोड़ें और कुछ लंबी छोड़ें। आइडिया आ गया सर, आपको कुछ और दो। सर को बिल दे, कल मिलते हैं। किधर जा रहे हैं जजमान? विराजिए, सुझाव दीजिए, नहीं तो बिल दीजिए। आइडिया आ गया सर, सुपर हिट लड़की पटाओ आइडिया। क्या? रुको सर, जरा आइडिया को बाहर तो निकालूं। आप उसे कहिए कि मैं अमिताभ हूँ और तू मेरी रेखा, मैं सलमान हूँ और तू मेरी ऐश्वर्या है, मैं राज कपूर हूँ और तू मेरी नरगिस, मैं शाहिद हूँ, तू मेरी करीना है, बस यही कहिए। मैं बताता हूँ इन्हें पांचवी जोड़ी, बोरकर सर और प्रियंवदा मैडम, ये जोड़ियां कभी एक दूसरे की हुई सर, बॉम्ब फटा मैडम। अरे मैडम आ गई, तुम लोग मरवाओगे।
आपको उठाएंगे। क्या कहा आपने, मुझे उठाएंगे? आपको तो खली भी नहीं उठा सकता, हमने कहा सुनाएंगे। क्या? अपने तड़पते दिल का हाल टिल्लू के समोसों के साथ। नो समोसा फॉर मी, मैं डाइटिंग पर हूँ, अब बताइए क्या बात है। बोलो बोलो भी। नमस्कार वीर सिम्हा। हाय वीर। हीरो हीरोइन का लव सीन होता है, ये विलेन आ जाता है। हाय माचो मैन। अच्छा हुआ तुम आ गए, चूहा पहाड़ को उठाने की बातें कर रहा था। मैं चूहा और वो मैचो मैन। आखिर बात क्या है? बोर कर रहा था। हाँ ये तो उसके लिए रोज की बात है। यस, ये बताओ आज रात क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। तो कुछ खास करने मेरे घर आ जाओ। एनीथिंग स्पेशल? डिनर और क्या? डिनर के लिए तो ये बोरकर जी है ना, इन्हें बुला लो। आप खुश हो ना सर? नहीं नहीं, बोरकर जी बहुत बिजी हैं। रोज शाम में इनकी बीवी इनसे आटा गुंदवाती है और उसके बाद रोटी बिलवाती है, बाद में बर्तन साफ करवाती है। उसके बाद क्या क्या करवाती है तुझे क्या पता? डोंट फॉरगेट वीर, बाय बाय। तू जिसे घर बुला रही है वो वीर नहीं, गब्बर है। तेरा क्या होगा बसंती? हाय हाय, कम इन। इतनी जल्दी दरवाजा बंद? ओह थैंक यू। इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कहो तो खोल दूं? खोल दूं? इसका ड्रेस खोलने से पहले भगवान मेरे लिए आप स्वर्ग का दरवाजा खोल दो, मैं यहाँ मर रहा हूँ, सब बोल दो। अरे जब बाद में पूरी तरह खोलना ही है तो अभी क्यों नहीं? मुझसे नहीं खुल रहा, हेल्प करो ना। छोटी सी तो नॉट है, जरा प्यार से खींचो ना, खुल जाएगी। अंदर रावण बांसुरी बजा रहा है और राम वनवास काट रहा है। कैसा लगा? सोचा कि सिर्फ अच्छा लगेगा, लेकिन ये तो माइंड ब्लोइंग है। आहा, सब कुछ एकदम बेहतरीन है, चलो शुरू करते हैं। रुक जाइए, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जब सब कुछ गर्म है तो लेट करने का क्या फायदा, चलो अब शुरू करते हैं। आ जाओ। हे, इतनी जल्दी दोनों चीख तक पहुंच गए। मुझे अंधेरे से डर लगता है। कूल कूल, मेरे अरमानों की बत्ती बुझाकर अंधेरे से डर रही हो? अरे कहना तो एक बहाना था, शादी से पहले ही हनीमून मनाना था। मुझे उठा ले भगवान। खाना बहुत ही अच्छा था, ग्रेट जॉब। वो वाकई बहुत खुश नसीब होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। टेक केयर। वो खुश नसीब तुम्ही हो। Hey, खोलो गेट, चंपक इज लेट। अगर हमसे लोगे पंगे तो हम एक सेकेंड में हो जाएंगे नंगे। अपनी बीवी के टुकड़े करेगा तू? इंश्योरेंस एजेंट से लेडी एजेंट बन गया? मुझसे पंगा मत लो नहीं तो भाग जाऊंगा। तू यहाँ से भाग जाएगा? हाँ, हम सब तुझे यहाँ से भागने देंगे तब। हाँ, ना मारो इसे। हमें मारोगी? हाँ मारो, हमें और तो अरे रुको 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 रुको, अरे अच्छे से मारो चंपक को, लेकिन पब्लिक पिटाई काहे कर रही है? बताती हूँ, भाभी बाहर आओ। अरे ये कौन है? यही तो हम पूछ रहे हैं, तुम एक LIC एजेंट है ना, कौन से एजेंट बन गए हो, जल्दी बताओ। आप गलत समझ रहे हैं, पहले आप इन्हें अच्छे से मारिए फिर ये आपको बताएंगे। ये तो चंपक जी की बेटी है। बेटी है, मेरी ही बेटी है ये। चेक कर लो, दोनों का खून लाल ही है। बच गया एजेंट से बाप बन के। अभी जाइए जाइए जाइए। साइंस ने क्या तरक्की की है, एक दिन में डायरेक्ट 18 साल की बेटी हुई है। मैं बताता हूँ चंपक जी, ये लड़की सर की स्टूडेंट है, आप समझे? आप एजेंट गिरी छोड़ो और इनका ध्यान रखो, ये अब तुम्हारे घर रहेंगी। तो
हम घर में कहाँ सोएंगे? अरे वो दो टॉयलेट किस लिए बनवाए थे? टॉयलेट में, वाह, इससे मेरी बीवी दुखी नहीं हो जाएगी क्या? अबे सर्दी में हुई माँ बाप की गलती की सजा, अबे कौन सी तेरी बीवी तेरे साथ खुश है? कुछ दिन उसे टॉयलेट में रख कर साफ कर, हो सकता है शायद वो भी तेरे साथ खुश हो जाए। सही है। सॉरी सर, सॉरी फॉर द ट्रबल। बजा कर हमारा भोपू बोलती है फूकना नहीं आता। रागिनी, योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलो दादी से मिलते हैं। दादी माँ। नमस्ते दादी माँ। हॉस्टल में इसे प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये हमारे पड़ोस वाले घर में रहने आ गई है। तुम बहुत किस्मत वाली हो, अभी अभी पूजा हुई है, आरती लो। तुम्हारे घर वाले मुंबई में हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? रियल एस्टेट बिजनेस। मैं चाय लाती हूँ। जी मैं भी आती हूँ। ठीक संभाला ना मैंने। एक्सक्यूज मी ब्रदर, हमारे दिल में एक सवाल उछल रहा है। क्या डाउट? हाँ, कि वो खाती वहाँ है, रहती यहाँ है, सोती वहाँ है, घूमती यहाँ है, अरे इतना आवन जावन क्यों? यही ठहरा दो ना। ठीक है ना अंकल? ठीक कहा ना। लेडी एजेंट, ये मसाज सेंटर है जो मसाज करवाने चला आया? पुल मसाज, बॉडी मसाज, हेड मसाज, यहाँ आकर फ्री में मालिश हो जाती है, एक मुक्के में दर्द गायब। सही कह रहे, गलत कभी कहा नहीं, पूछ लो पत्नी से। तुम्हें पता है बिरसिमा ने अपने घर के बगल में रागिनी को ठहरवाया है, ये बताना तेरा क्या होगा? नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। कैसा प्लान? डायरेक्ट अटैक। उसका रेप कर दोगे? छी छी, नेक्स्ट वीक सिर्फ हम दोनों अकेले कॉलेज के काम से बैंगलोर जा रहे हैं। अच्छा, फिर हम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होटल में रुकेंगे। सॉरी सर, वी हैव ओनली वन रूम अवेलेबल। ओके नो प्रॉब्लम, यही है मेरा प्लान। सच में? ठीक है, तो मैं दूसरे होटल में ठहरता हूँ। नहीं वीर, हमें रात भर डिस्कशन करना है, कम ऑन वीर। लेकिन तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा। बकरी कसाई के सामने कथक करेगी तो कटेगी ना। कुछ कहा आपने मास्टर जी? ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे मास्टर जी कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं? तुम आगे बताओ ना, बहुत मजा आ रहा है। ओहो, आज पता चला औरतें अकेले में क्या वार्तालाप करती हैं। हम रूम में तैयार होकर खाने पे जाएंगे, मैं वाइन ऑर्डर करूंगी। मदिरा भी? और ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो बदन में आग लग जाए। अग्नि तो यहाँ बढ़ गई है, कहाँ है फायर ब्रिगेड? अगर तुम मेरे बिस्तर पे नहीं सोए तो मेरी इंसल्ट है वीर। अगर मैं रात में किसी से चिपक कर ना सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती, मैं चिपकूं? तू चिपक ली है क्या? अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो चिपको। यस। चिपक गई, लग गया फेविकोल का मजबूत जोड़, अब ये जोड़ हीमैन का बाप भी नहीं उकार सकता। हाँ, अच्छा तो यहाँ हो कटीली। आए? मेरी छमिया, तुझे देखकर बिना आंसू के रोना आ रहा है। क्यों चाचा? अगर तुम हाँ कहती तो इन काले बर्तनों की जगह मेरी पीठ घिस रही होती। अब और मत घिसो कटीली, तुम छोड़ दो इसे, कोई दूसरा कर लेगा। कोई और क्यों करेगा, आपके हाथों में गोबर लगा है क्या? मैं कर देता हूँ कटीली, लोगों के सिर काटने से तो अच्छा है कि सारे बर्तन धो दूं। चला जा इधर। कैसा धोया मैंने? बढ़िया। सोचो अगर तुम कपड़ों की जगह गुंडों को पटक पटक के मारते तो बड़ा मजा आता। अभी दिमाग मत खा, नहीं तो तुझे कपड़ों के साथ धो दूंगा बिना साबुन लगाए, कह देता हूँ। काटो काटो, अच्छे से काटो, ऐसे ही। हाँ। अच्छा काट रहे हैं ना हम? अरे चाचा जी आप और यहाँ, आप तो घर का काम भी सीख रहे हैं तो आप खाना भी बनाने लगे। हाँ। अच्छा है तो कटीली की शादी करवा देते हैं, आप कन्यादान कर देते। क्या कह रही हो? अरे रे,
इतना काटा हमने, इतना घिसा हमने, दूध निकाला, कपड़े धोए, क्या डोली उठाकर इसका कन्यादान करने के लिए। अरे कटीली से मेरी शादी करवा दो। क्या माजी को पता है? नहीं पता। आप माजी से जाकर बात कीजिए। भाभी जी। कहो। सिर पर खेती नहीं हो रही। मैं क्या नारियल का तेल सप्लाई करती हूँ? आपसे शादी की बात करनी है। मेरे तो पोते हो चुके हैं। मजाक छोड़ो ना भाभी, मेरी शादी करा दो ना। ठीक है, लेकिन मरने वाली लड़की कौन है? इस घर की नौकरानी बनेगी आपकी देवरानी। कौन? अब इस घर में क्या 300 नौकरानियां हैं? अरे आपकी कटीली है इस गट्टू की गटीली, बचपन का प्यार है भाभी। कटीली? वो तो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ भाभी। उसकी जिंदगी मैं कैसे बर्बाद कर दूँ? बर्बाद? ठीक है, वो मान गई है क्या? मैं कतार में हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। किधर है वो? इधर हूँ। तुझे ये बुद्धू पसंद है? हाँ चाचा पसंद है। इसमें तुझे क्या देखा पगली? उस जितेंद्र में क्या था, उसकी भी शादी हुई ना। उस ताता थैया का नाम मत लो। कहा? क्या ले रहा हूँ? दादी माँ, ये जो है ना, दिखने में ही जितेंद्र है। सब्जी कट कट करके काटते तो सब्जी गायब, बर्तन को घिसते हैं तो बर्तन गायब, इतना दूध निकालते हैं कि पूरी की पूरी भैंस ही गायब, कोई ने आंखें दिखाता है तो ये पूरे ही गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा पति कहाँ मिलेगा माँ जी, जो कुछ बोले ही नहीं, जो कुछ कहे ही नहीं। शादी का मजा तो पति के ना दिखने में है ना।